उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, पंचायत भवन का निर्माण पूरा कराने के निर्देश। दोस्तों, ये खबर कहां से आ रही है और कैसी खबर है? क्या पंचायत भवन जहां नहीं बने हैं वहां बनाने की खबर है या मरम्मत कराने की खबर है? इस खबर की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि हर खबर सबसे पहले आप पर पहुँचे और आप सही जानकारी से रूबरू हो सकें। चलिए चलो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, गौरीगंज अमेठी निर्माणाधीन पंचायत भवनों को पूरा जल्द कराया जाए। जिन भवनों में निर्माण पूर्ण हो गए हैं वहां पंचायत मित्र की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए मिनी सचिवालय का संचालन नियमित रूप से कराया जाए। लापरवाही उजागर होने पर संबंधित अफसरों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सीडीओ डॉक्टर अंकुर लाठर ने जिले में 194 पंचायत भवनों में निर्माण की प्रगति की ऑनलाइन समीक्षा की। इस दौरान लक्ष्य के सापेक्ष 170 पंचायत भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण मिला, जबकि 24 निर्माणाधीन मिले। सीडीओ ने संबंधित ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव को विशेष रूप से रुचि लेते हुए बाकी निर्माण कार्य अविलंब पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी सीडीओ पंचायत को जिन पंचायतों में भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया वहां पंचायत सहायक की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए मिनी सचिवालय का संचालन शुरू कराने का निर्देश दिया। सीडीओ ने अफसरों से स्पष्ट किया कि हर हाल में यहां पंचायत भवन बनना चाहिए, वहां मिनी सचिवालय का संचालन शुरू कराना चाहिए। संचालन के लिए सभी आवश्यक फर्नीचर व अन्य सामग्री की खरीद पर भवन को सुसज्जित कर लिया जाए। बाकी कार्य को नवंबर के अंत तक हर हाल में पूरा करते हुए रिपोर्ट मुहैया कराने का भी निर्देश दिया जाए। दोस्तों, आप देख रहे हैं किस तरीके से इसमें बहुत ही प्रेशर से काम कराया जा रहा है। अधिकारी बिल्कुल, यहाँ के सीडीओ जो हैं बहुत ही एक्टिव हैं कि जल्द से जल्द हर ग्राम सभा में पंचायत भवन बने और वहाँ पर पंचायत सहायक कार्यरत हो और अपना कार्य शुरू करें। जहाँ पर नहीं बना है जल्द से जल्द बनाने की और आदेश जारी किए जा रहे हैं और नवंबर के लास्ट तक वहां पे कार्य कंप्लीट हो जाने को भी कहा जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसी तमाम खबरें हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।